ग्यारह पॉइंट तेरह पॉइंट तीन, ठीक है जी। कौन भगे बेटा, बाकी सवाल हो गए थे। सवाल नंबर पांचवा है ना, एक बार सवाल नंबर पांचवा देख लेते हैं। क्या बोला गया, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक बुक काम की एक रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मेटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टर्न कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, पाई इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर, है ना। अभी बुक आपके पास है ना, तो आपने देख लिया। अब इसको जो समझते हैं सवाल को, ये कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर। भैया जो ट्रैपोलिन होता है, जैसे है ना, जो आपको तिरपाल होता है, क्या होता है, तिरपाल होता है, मान लो, ठीक है जी। ये मान लो बेटे देना, हाँ ये दो, ठीक है जी। अब मान के चलो बेटे ये हमारे पास है, ठीक है जी, ये पढ़ना ही। अब ये एक ट्रैपोलिन है, ऐसे तो होता है तिरपाल, मतलब पन्नी आम भाषा में। तुमने कभी देखा होगा, जब तुम्हारे किसी घर में या छत में कभी देखा होगा, अगर लीकेज होता है पानी का ऊपर, तो क्या करते हो, पन्नी बिछा देते हैं छत में। गांव में होता है ये, अगर कोई गांव पत्थरनुमा घर होते हैं या कहीं भी, अगर एक बड़ी सी पन्नी होती है ना प्लास्टिक की, ताकि पानी ना हो, तो ये एक एक पॉलीथीन है मान लो। तो ये पॉलीथीन किस सेम में, फिलहाल रेक्टेंगल सेम में। ये इसकी लंबाई होगी, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो ट्रैपोलिन की मुझे क्या सवाल में पहले क्या बोल रहा है, व्हाट लेंथ बोल रहा है ना, व्हाट लेंथ, यानी अगर ट्रैपोलिन इससे मुझे क्या बनाना है, करे इससे एक कोन बनाना है, क्या बनाना है, कोन। तो आपको पता है एक कोन तो कुछ ऐसा होता है ना, ये आपने कहीं पर देखा होगा पहाड़ों में, कहीं पर वो टेंट बने होते हैं उनके इस सेम में, ऐसे टेंट बने होते हैं ना ऐसे। तो अगर इस कपड़े को मुझे किसी कोन पे लगाना है, किसी कोन पे लगाना है, यानी इस कपड़े की हेल्प से, इस पन्नी की हेल्प से मुझे जो भी कोन बनाना है, तो उस कोन की मुझे हाइट भी दी हुई है और उस कोन का मुझे रेडियस भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लो मुझे इससे एक ऐसे बनाना है, एक कोई तंबू से बनाना है इससे, मान लो मुझे ऐसे झोपड़ी से बनानी है, तो पन्नी तो क्या आएगी, इससे साइड साइड से आएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी, नीचे से पन्नी आएगी नहीं। तो हमें ना सवाल में इस जो पन्नी है, जो ट्रैपोलिन है, उसकी चौड़ाई हमें दी हुई ना भाई, चौड़ाई दी उसकी, चौड़ाई दी हुई है, हमें क्या निकालनी है उसकी लंबाई। लंबाई नहीं पता हमें, इसकी लंबाई नहीं पता। अब कॉमन सेंस की बात है यार, हमें जितना इसका एरिया रहा होगा, कह रहे हमने क्या किया, वो कह रहा हमने इस पूरे ट्रैपोलिन को इससे क्या बना दिया, हमने कौन बना दिया, मतलब। तो जाहिर सी बात है, जितना इसका एरिया होगा क्या होगा, जितना इसका एरिया होगा, ये किस सेम में, रेक्टेंगल सेम में, तो भाई जितना इसका एरिया होगा उतना ही ट्रैपोलिन का उतना ही एरिया किसका होगा, उस कौन का होगा, मतलब जितना पन्नी हमने कौन पे लगाई है ना, जितनी पन्नी हमने कौन पे लगाई है, वो भी साइड साइड से लगाई है, उतना एरिया क्या होगा, इसका होगा। यानी पन्नी ध्यान देना, हम साइड साइड से लगाई हमने, कौन पे थोड़ा ना नीचे पन्नी आ जाएगी यार। अरे कभी आप टेंट बिछाओगे, ये मान लो जब टेंट जब बनता तो आधी पन्नी इधर आधी पन्नी इधर, क्या नीचे बिछाएंगे उसको, नीचे कोई गद्दा होते बिछाएंगे लेटरिंग के लिए। तो यानी जितना हमारे कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा, जितना कोन का साइड साइड का एरिया होगा, उतना ही क्या होगा इस जो इसका क्या होगा एरिया, क्योंकि ये पन्नी रेक्टेंगल सेम में, ट्रैपोलिन रेक्टेंगल सेम में, तो जितना एरिया ट्रैपोलिन का होगा उतना ही कोन का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, है ना। तो इस पर आते हैं, तो ये कह रहा है, ये मुझे बोल रहा बेटा। तो प्यारे बच्चों, मैं बात कर देता हूं कि लेंथ ऑफ क्या मेरे पास ट्रैपोलिन, तो बेटे ट्रैपोलिन की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, ठीक है जी। अच्छा ये ब्रेथ है क्या बेटा, ब्रेथ है, ये क्या है ब्रेथ है, ये ब्रेथ है बेटा, क्या है ब्रेथ है,
इसकी ब्रेथ दी हुई है 3 मीटर, इसकी जो जो लेंथ है इसकी लेंथ ऑफ एल मान लो मैं, ठीक है। रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल हाइट, कौन की हाइट क्या है, हाइट ऑफ कौन, बेटा कौन की हाइट कितनी है 8 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कौन, जो उसका बेस का रेडियस क्या है कौन का, 6 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये तो अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू मेकिंग कर, हम ये मान के चल रहे हैं, उसको बाद में आते छोड़ो। तो यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर हम एक चीज़ हम समझ चुके हैं कि एक साथ समझ चुके हैं कि लेंथ ऑफ नहीं एरिया, क्या एरिया ऑफ टर्पोलिन बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व सी से ऑफ कॉनिकल टेंट। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जितना कोन का साइड का एरिया होगा उतना ही उसका क्या होगा, उतना ही टर्पोलिन का एरिया होगा। तो टर्पोलिन किस सेम में, रेक्टेंगल सेम में, एल इन टू बी, कौन का सी से क्या होता है पाई आर एल, एल तो हमने निकाला ही नहीं है ना यादव जी, परसों आप लास्ट क्लास में आए थे, तो मैंने कौन में एल निकालने का बताया था फॉर्मूला मैंने, क्या होता है अंडररूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कोन की स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। है ना, तो ये हाइट, ये मान लो हाइट क्या था, क्या है इसकी हाइट, रेडियस क्या है इसकी 6, तो ये इसकी स्लांट हाइट होती है, एल मतलब स्लांट हाइट, एल मतलब ये साइड वाले हाइट होती है बेटा एल, है ना, ठीक है सर। बेटा आर क्या है इसका 6 का स्क्वायर, एच क्या है इसका 8 का स्क्वायर, है ना, बेटा 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, 8 का स्क्वायर क्या आएगा कितना आ जाएगा 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है, बेटा एल आगे ये 10 आ गया ना, ठीक है सर। यानी प्यारे बच्चों एल है ना, ये लंबाई इसकी ये लंबाई यही वाली आई है, हमें तो टर्पोलिन की लंबाई निकालनी ना, तो टर्पोलिन की लंबाई दी हुई है नहीं, इसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है 3 मीटर, पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्या पुट करनी है 3.14, क्वेश्चन में बोला गया है। आर कितना है, एल कितना है 10 मीटर, आप समझ लो आपने 1 मीटर काट दिया। एक काम करो बेटा, इसको 3 को डिवाइड में भेज देते हैं, वहां पर क्या भेज दो डिवाइड में, देखो बेटा आराम से, बेटा आराम से, ऐसे कौन जाता है ना, 3 2 6, तो बेटा 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, है ना, अगर इन सब को 3.14 को 2 से करोगे फिर 10 से करोगे तो 628, अब पीछे क्या आएगा 0, है ना, अब पॉइंट के बाद 2 नंबर ना, तो ये तो 62.80 मीटर, पैसे सुन लो भाई, ये हमारी लंबाई है, क्या आ गई हमारी लंबाई, ये हमारी लेंथ यानी लंबाई आ गई इतना मीटर। अभी रुको जरा ठहरो, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कह रहे क्वेश्चन में अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर करें। अब ये साइड से बात, अगर कुछ भी चीज़ बनाते हैं हम, जब भी अगर किसी कागज़ को किसी के और लपेटते हैं, या आप मैंने आपको परसों बताया था कि अगर आप एक किसी अखबार को किसी न्यूज़पेपर को आप कॉफ़ी पर लपेटते हो तो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर तो आपको काटना पड़ता है, तो ये तो वो लंबाई आई, ये वो लंबाई आई जो उस पर चिपकी हुई है, किस पर, कौन पे, ये तो वो लंबाई है जो हमने कौन पे चिपकाई है ना, जो एकदम उसे फिट बैठी हुई है, अरे ये वो लंबाई है जो किस पे कौन, जो कौन पे फिट बैठ गई है।
अब वो कह रहा है कि लगभग लगभग 20 सेंटीमीटर क्या 20 सेंटीमीटर के आसपास हमने क्या कर दिया, वेस्ट हो गया 20, इतना तो उस पर लगा है, इतनी लंबाई 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो गया। तो बेटा ये 62 पॉइंट तो था, तो बेटा 20 सेंटीमीटर वेस्ट, 20 क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो पहले 20 सेंटीमीटर को बेटा किस में चेंज करो, मीटर में, 100 से डिवाइड कर दो क्या जाएगा 0.2 मीटर, इतना मीटर वेस्ट हो गया, इतना मीटर लगा है, इतना मीटर वेस्ट हो गया। तो मार्केट से कितना लाए होंगे, तो 62.80 प्लस 0.2 मीटर, बेटा क्या आएगा 63.00 मीटर, यानी 63 मीटर लंबा तिरपाल लगा उस पर। बताओ भाई, हाँ बताओ भाई, किसको समस्या है बताओ। प्रश्न संख्या 8 एक बार देखिए, अब्बास स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन मेड बाय रिसाइकलिंग कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन्स टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स पाई इक्वल 3.14 एंड टेक अंडर रूट दिस। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सवाल लंबा है, सवाल को जब तक टुकड़ों में नहीं समझोगे वन बाय वन तब तक सवाल दिक्कत करेगा। ये कह रहा है अब्बास स्टॉप बैरिकेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड बाय रिसाइकलिंग कार्डबोर्ड। पहले यहां तक पढ़ो, इतना मतलब ये इतना मेरे समझ में आ पा रहा है ना जी, है ना, इतना में नहीं, उधर ही उधर उधर हम अभी उधर बच्चे हैं। सवाल क्या बोल रहा है, अब बस स्टॉप बैरिकेड, वो आप एक बस स्टॉप है तो थोड़ी थोड़ा कहानी से बनाई गई है, बस स्टॉप है तो बस स्टॉप छोड़ दो आप कभी देखना बस स्टॉप के बाद क्यों करें। आपके आसपास रोज देखते होंगे आप अंडीपेल वाले बिजली वाले कहीं ना कहीं खंभा गाड़ रहे होते हैं, ये कहीं बिजली का खंभा ठीक कर रहे होते हैं, तो उसके चारों एक पट्टी सी लगा, क्या लगा देते पट्टी सी, या तो हाइट एक वाइट सी पीली सी पट्टी लगा देते हैं, या एक कौन सा खड़ा कर देते हैं, वो कौन सा मतलब, अरे तो बर्थडे टोपी होते ना, बर्थडे टोपी तो बर्थडे टोपी होते ना, तो क्या वो नीचे से बंद होती है, अरे पहने वो कहाँ से फिर नीचे खोखली होती ना, तो जिस प्रकार बर्थडे कैप होता है वो टोपी होती है, उसी प्रकार एक कौन होता है, नीचे क्या होता है खोखला होता है, आप लोगों को देखा भी होगा वो, तो पीला सा है ना, पीला सा लाल कलर कौन होता है वही कौन है, ठीक है जी। तो कह रहे हैं वो 50 होलो कोन कहाँ लगाए गए, रोड पर लगाए गए, ठीक है, कितने कोन है 50, वो बने किससे, कार्डबोर्ड से, अरे कार्डबोर्ड, ठीक कार्डबोर्ड से बने, कार्डबोर्ड मतलब रेक्टेंगल शेप में रहा होगा, यानी 50 होलो कोन बने, अरे किससे बने, कार्डबोर्ड से, ठीक है भाई इतना समझ गए। ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, मतलब जो कोन जो बनाना ना, मैं जो कोन होलो कोन बनाओगे ना, क्या रखना है उसका, क्या बोल रहा है वो, उसका हाइट क्या रखना है, इसको उसका हाइट रखना है 1 मीटर, हाइट रखना है 1 मीटर, और डायमीटर कितना, डायमीटर क्या है, डायमीटर 40, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस 20 सेंटीमीटर रखना है उसने ऐसे कहा, ठीक है चलो भाई कर देंगे। अब यहां चाला के बोल रहा, हमें क्या निकालना है, TSSCS से इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ, अभी कह रहा आउटर साइड इसका पेंट करना है, छोड़ दो पेंट उन्हें छोड़ो यार, बाद में आ जाएंगे, पहले सोचो सही निकालना क्या। उसने कहा कौन होलो कौन है, क्या होलो कौन, कौन होलो है, खोखला है, तो यहां पर कुछ भरने की बात तो की नहीं गई है, न काटने की बात की है, न पिघलाने की बात की है, तो काटना पाटना पिघलाना वोलाना तो वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम निकालना नहीं है, और दो चीज बची, एक बचा TSA एक बचा CSA, भाई नीचे से तो खुला है वो, नीचे खोखला है वो, इसका मतलब यहां पर क्या निकालेंगे, CSA निकालेंगे भाई, होलो खोखला CSA निकालेंगे भाई यहां पर।
तो पहले इसका सीधे निकाल देते भाई, आगे बाद में बोल देंगे ना क्या कर रहा हो। प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन, कौन की हाइट कितनी है, 1 मीटर। बट रेडियस कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर बेटा। तो बेटा ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, एक में चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली ना, इसको करो मीटर, किसको करो मीटर, क्योंकि जो कॉस्ट दे रखा है ना, कॉस्ट, कॉस्ट भी किस में दे रखा है, मीटर में। इस चेंज करो तो 100 से डिवाइड कर दो, 0.2 मीटर। ठीक है सर, ये काम करो तो सी एस सी ऑफ कौन, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सी एस ऑफ कौन क्या होगा, पाई आर एल। हमें एल चाहिए, क्या चाहिए, एल स्लैंट हाइट चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों काम कर लेते हैं कि अब एल निकालना ना, तो अभी एल, ये एल है, मैंने एल निकालने का बताया था सूत्र आपको कि भैया एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, आर कितना है, दो को स्क्वायर कितना होता है, दो को स्क्वायर क्या होगा, चार, चार होगा। क्यों पॉइंट के बाद देखो बेटा, ध्यान दो, जब 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जब 4 होता है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर आएंगे ना, तो 0.04 जब ऐड करोगे ना बेटा, है ना, तो भाई क्या आएगा, 1.04 मीटर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू निकालना क्या हो जाएगी, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब उसने हमें बोल रखा है, उसे पता था कि थोड़ा हार्ड हो जाएगा बच्चों के लिए, नीचे बोल रखा ना, कह रहा अंडर रूट 1.04 की वैल्यू क्या लो, कह रहा 1.02 लो और मीटर में, है ना। चलो भाई सर आप इसका सी से निकाल दो, बेटा सी से क्या होगा, पाई आर एल होगा, पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22.7। आर कितना है, ओके बेटा 3.14 रखो, आर कितना है, 2.2 मीटर, और इसकी वो क्या आ रही है, एल, भाई करो जो गुणा करो यार, बाप रे बाप इतना लंबा, अरे रे दादा, अरे दादा ओए, एक बच्चा बोलो 3.14, अबे यार क्या रे गद, हाँ वे 0.64, 0.5, पक्का ये आ रहा भाई, ये आ रहा भाई, ठीक है। इन सबको गुणा करने पर ये तो आ गया कितने का एरिया, तो कितने बनाने हैं, 50। तो एरिया ऑफ 50 कौन, चलो ना एरिया ऑफ 50 कौन, 50 कौन है ना, मतलब जो एरिया जो शेष है ना ऐसे ही, तो 0.64056 मीटर स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, 50 से, ठीक है भाई। जीरो ऐसे ही आएगा, 5 का 30, अब 5 5 25 3 कितना, 28, कितना जाएगा, 2 5 को 20, 5 का 30 2 32, क्या हो गया, पॉइंट का नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आएगा इतना मीटर स्क्वायर, ये 32 कोनों का एरिया आ गया, 32 कोन थे ना, 50 सॉरी बेटा सॉरी, 50 के एरिया आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, करे इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन बी पेंटेड, बार बार पेंट करना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग कॉस्ट कितना है, ₹12 है, तो 32.02 800 मीटर स्क्वायर का जो पेंटिंग कॉस्ट होगा, जब भी कॉस्ट पूछा गुणा कर देंगे, क्या करेंगे जो भी आएगा ना, यानी 32.02 800 को
गुणा कर दें किससे, 12 से, ये रुपए में आएगा। किसी बच्चे ने किया है क्या? 384। एक बोलो यार, 0.336 है ना, इतना इतना रुपए आपका बैठ जाएगा। हाँ पिच इतना अप्रोक्स, मतलब जो भी लगभग लगभग ये आ जाएगा भाई। बोलो भाई किसी सज्जन को तकलीफ है ना, बताओ भाई।